के लिए। पार्थ जी, जैसे आप सोचते हैं केरला में तो एजुकेशन 100% है, जैसे मैंने पहले भी कहा 100% लिटरेसी लेवल है वहां पर, अगर वहां पर इस तरह की चीजों पर उन्हें रोका जा रहा है तो यहाँ पर आप से गलत ठहराएंगे? चलिए सही की तो हमने बात कर ली, किस सिस्टम को गलत ठहराएंगे कि जिसकी वजह से उन्हें रोका गया है? हमारी थिंकिंग को, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी को, क्योंकि अब तक इसे बहुत छुपा हुआ चीज रखी। जी रुझान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस उसी कहना चाहते थे कि आपने देखा तो कोर्ट ने भी हाथ उठा लिया, जबकि हमारे लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी चीज, हम बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें फॉलो करना। कोर्ट ने भी ये देखा कि भाई फ्रीडम है, फ्रीडम के अगेंस्ट तुम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन, जो आप कहते हो कि 100% एजुकेशन, आपका कहना बिल्कुल सही, 100% एजुकेशन डजंट मीन भणियापन, गणियानी एटले एटले याद रखो, वो हिंदी में जो इसको बोलते हैं, तो इसलिए 100% एजुकेशन मीन 100% लिटरेसी, लेकिन वो जो दूसरी बुद्धि आनी चाहिए, विजडम जिसे कहते हैं, वो शायद उसका अभाव होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जेन्युइन पहला जो ख्याल होगा लोगों का, जेन्युइन जो एक ग्रुप ने बना कि भाई हम इसको एंटी एड्स करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर और लोग अंदर आ गए और उनके दिमाग में कुछ और अच्छे अच्छे ऐसे खराब खराब आइडियाज आए आड़े उड़े, और इसलिए ये पूरा शो, क्योंकि कई बार शो अच्छा इससे होता है लेकिन कई बार फ्लॉप होता है, इसलिए मैं हमेशा इस पॉइंट पे यही कहना है कि हमारी लीगल सिस्टम ने उसको अलाउ किया, इसलिए उससे कि पुलिस ने भी अलाउ किया, लेकिन बाद में जो तमाशा हो उसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट अब क्या तमाशा हो इसलिए लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज पे अब ये और भी ये लोग नायक करने वाले आजकल में वापस उसका भी प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए ऑब्वियसली वो तो सब करके अपना सबका हक बनता है। जी पार जी, गुजरात में एक कहवत है, अगर कहवत ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे अहम भणेलान भणा वैसा, तो ये जो 100% लिटरेसी की बात है या एजुकेशन की बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी की सोच में क्या बदलाव आएगा। जैसे रुझान जी ने बताया कि वो गणतंत्र होना चाहिए, वो एक विजडम होना चाहिए, वो विजडम शायद आप कोई ऐसे स्टेट में जाओगे जहां पे 2% 5% 10% लिटरेसी है, पर वो विजडम आपको वहां पे भी मिल जाएगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर गुजरात में होगा तो इसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा या इसका प्रोटेस्ट एक्सट्रीम लेवल पे किया जाएगा। एज एन इंडिविजुअल शायद मैं इसके फेवर में जाऊं, एज एन इंडिविजुअल रुझान जी मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, फिर वो अगेंस्ट में जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एजुकेशन के तौर पे, एजुकेशन ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन, वी कैन से कि भाई वहां पे 100% एजुकेशन है, इसलिए पीपल आर यू नो देयर इनटू मोर रेवोल्यूशनरी माइंडसेट, दे आर मोर इनटू रेवोल्यूशनरी माइंडसेट, इट डिपेंड्स ऑन कि वो एज एन इंडिविजुअल क्या सोचते हैं जी। तो क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके शायद पेरेंट्स होंगे, शायद उसमें से कई ज्यादा ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने ये क्लिपिंग्स देखी होगी या ये वीडियो देखकर वो नाराज हुए होंगे अपने बच्चों से। क्यों? क्योंकि मेंटालिटी पहले से बनी हुई है हमारे देश की, उसके लिए रीजन ये है कि हमने छुपा कर रखा, जैसे मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हमने ज्यादा खुला नहीं समझा कि हमको इसको ज्यादा रिवील करना चाहिए। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका का माहौल बहुत ज्यादा खुला है, लेकिन उसी कंपेयर में अब भी ब्रिटेन बहुत थोड़ा सा नैरो माइंडेड है, अब भी ब्रिटेन में थोड़ा सा वहां पर यह समझा जाता है कि अपने आप को लड़की कवर करके रहे, ये बात और है, यहां पर इस बात से थोड़ा सा इसका ताल्लुक है, इसलिए मैं इस चीज का जिक्र करना चाहूंगी। तो पाँच जी, एज ए युवा आपको लगता है कि जनरेशन गैप इंडिया में बढ़ गया है? गुजरात में एक दूसरी भी कहावत है जी, कि युवा नुजैर छे जी, किस या छोटे स्कर्ट या ये जो आप जनरेशन गैप के नाम पे आप ये जो पॉइंट्स बताना चाहती है कि इस वजह से जनरेशन गैप बढ़ा है, जनरेशन गैप देखा फादर और सन के बीच में जरा सा नहीं होता, क्योंकि फादर भी समय के मुताबिक सन के साथ आगे बढ़ा होता है, उसकी थॉट प्रोसेस इवॉल्व हुई होती है, उसके एक्शन में इवॉल्व आते हैं। कहीं जगह पे हम देखते हैं कि फादर वही पिछले जमाने की बातचीत में रह जाते और सन के साथ आगे बढ़ नहीं पाते, सन तो सोसाइटी के साथ आगे बढ़ जाता है क्योंकि समय ही है जो कॉन्स्टेंट चलता रहता है। तो ये जो जनरेशन गैप है अगेन वो इंडिविजुअल लेवल पे चेंज होता रहे, मैं नहीं मानता कि एज ए कंट्री हमारे ही देश में है जो जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी आप जाएंगे, यूएस में भी जाएंगे तो आपको जनरेशन गैप दिखेगा, पर वो उस टाइम में दिखेगा जिस टाइम में इंडिया में नहीं दिखता। इंडिया जनरेशन गैप क्या होता है कि भाई फादर जब बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे आओ, बेटा कुछ भी काम होता है छोड़ के चला जाता है, वो या तो आप रिस्पेक्ट के तौर पर देख लीजिए या तो उसको आप इस तरीके से देख लीजिए कि फादर कितनी उसके ऊपर धाक है, या उसको आप जनरेशन गैप देख लीजिए।
देखने का तरीका ये था। जुजान जी, सेम चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर है तो उसे दूर किया जा सके, किस तरह से किया जा सके। जो बताया कि जो जनरेशन गैप इज डिपेंड्स कि आप किस चीज को मिल रहते हो, क्योंकि जैसे कि मैं मेरे टाइम पे मेरी जो मम्मी मुझे कहती थी, आज के टाइम पे वो सेम मेरी भाभी उनको बच्चों को कहती है, यानी जो जनरेशन गैप की आप बात करते हो वो तो अपने आप चलता आ रहा है। हाउ डू यू डिफाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि कई बार जनरेशन गैप मेरे को रूरल कम दिखता है और मेरे को सिटी से ज्यादा दिखता है, टू बी वेरी क्लियर, जबकि अब तो उल्टे सिटी में तो पढ़े लिखते होते हैं, क्राइम होता शुरू हो गया है क्योंकि सिटी में ज्यादा क्राइम रेशियो बढ़ गया है रूरल के मामले, इसलिए शायद सिटी में ज्यादा जनरेशन गैप या ज्यादा स्ट्रिक्टनेस लगती है। माँ बोलती है 8 बजे बेटी को घर आ जाना है, लेकिन रूरल में शायद ये कुछ नहीं बोलते होंगे। नहीं, एक्चुअली आई वुड नॉट कॉल दिस जनरेशन, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप, यानी एग्जांपल है कि लोगों को लेट अस से कि मैं कुछ चीज में बिलीव करती हूँ, जैसे कि एग्जांपल यही किस वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि किस वाला मैं बिलीव करती हूँ, भाई इट्स ओके कि हम रास्ते बीच में किसी को किस कर ले रहे हैं, अपना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करें, जबकि मेरी मम्मी समझेगी कि नहीं 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 किस तो सिर्फ रूम के नीचे वो होती है, किस सरबा जो होती है उसकी चिंता वो तो होती है, लेकिन रूम के चार कोई दिखे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, उसका जनरेशन गैप डिफाइन किया जाता है। तो वो जो है, और बाकी दूसरी चीज जो माताओं का, अगर किसका एग्जाम्पल हो तो माताओं को ये चिंता की मेरी लड़कों के माताओं को चिंता नहीं, लड़कियों के माताओं को चिंता होती कि मेरी बेटी अगर आज किसी और को किस करेगी तो किसी और से शादी नहीं कर पाई, तो वो तो सत्य है ही। और वो अपने इंडिया में जो संस्कृति है कि भाई लड़की को, वो भी एक हकीकत है ना जिसपे हम लड़ रहे हैं कि लड़के को तो लड़की एकदम वो चाहिए, एकदम नई दवाई चाहिए, और यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए वो तो ना इन संस्कृति आती है उसमें, तब जब ये संस्कृति आती है तो उसमें तो जनरेशन गैप रहने ही वाला है। मैं क्या, मेरे भी बच्चों के तो मैं वही मानूंगी कि भाई यार किस तो रूम में ही होनी चाहिए, रास्ते बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी ही एक्सपेक्ट की है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन जनरेशन गैप, इट्स नॉट बिटवीन टू पीपल ओनली, इट्स द सोसाइटी, इज द एनवायरमेंट, इट्स द कम्युनिटी, ऑल इज इम्पोर्टेंट। जी चलिए, बहुत 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 छोटा जवाब मुझे सिर्फ आपसे चाहिए पार्थ जी। जिस तरह से रुजान जी ने कहा कि लड़कों को लड़की बिल्कुल क्लीन चाहिए, अगर आपकी फ्रेंड है या आप वो लड़की जिसको आप पसंद करते हैं, वो लड़की अगर इस तरह के इवेंट में किसी लड़के को किस करती है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप करेंगे? बिल्कुल, बेशक जी। नहीं, युवा है, यूथ, आपका यूथ है, मुझे जब तक लगता है वो सोसाइटी की थॉट सिस्टम प्रॉब्लम है जी। वो डिस्क्रिमिनेशन करना लड़के और लड़की में, वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, नहीं कि वो लड़की का, जब तक मेरा मानना है तब तक। जी जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का पार्थ जी, रुजान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पार्थ जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आखिरकार सब लोगों की अलग अलग सोच है, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन जिस तरह से हर एक चीज को कन्वे करने का, समझाने का एक तरीका होता है, जरूरी यह है कि हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं, और अगर हमने जो तरीका अपनाया है उसका मैसेज जो हम पास करना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वो सही ढंग से जा रहा है या नहीं, और किसी और को नुकसान भी नहीं।